तो आज हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है बट बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है। जैसे देखो यहाँ पे है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर चल रही है, स्पीड है ट्रेन की। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या होता है, रिटार्डेशन फील होता है, यानी कि एक अपोजिट फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए यूज होता है। सो हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि ट्रेन रुकने से पहले कितना चलेगी। तो आपको मालूम है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन की क्या है, इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, जो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसा ही मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली रिजल्ट जो है कट के कितना आ गया, आप देखो यहां पे 25 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली क्या होगा, ट्रेन चलेगी, ब्रेक लगाया तो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, और रेस्ट पे आ जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो आपसे पूछा है कि जब ये रेस्ट में आएगी, जैसे ब्रेक लगाया कुछ देर बाद रेस्ट में आ जाएगी, तो ये कितना देर चलेगी, यही आपसे पूछा गया है। और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, कि ये रुकने से पहले कितना चलेगी। तो आपको मालूम है जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसमें जो थर्ड इक्वेशन होता है, उस थर्ड इक्वेशन में आपको डिसाइड करना है कि चारों को चारों टर्म्स वी यू ए और एस, जिस इक्वेशन में चारों टर्म हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो, वही इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको मालूम है कौन सा इक्वेशन होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये इक्वेशन है जो हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, 2as is equal to v square minus u square। देखो क्या होता है, v square is equal to u square plus 2as, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, 2as is equal to v square minus u square। तो यहां से हम अगर s find out करें तो s क्या होगा, v square minus u square। अब final velocity तो आपको जीरो है, तो यानी जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो स्क्वायर, u कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू 0.5, तो ऊपर क्या है आपका -25 स्क्वायर डिवाइड बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से जो एस आएगा वो कितना आएगा, 25 स्क्वायर कितना होता है 625, सो 625 मीटर ये डिस्टेंस है जो क्या होगा, ट्रेन चलेगी रुकने से पहले। So, ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।